अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.पी के। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डॉग्स की इंतहाई ख़तरनाक डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर। कैनाइन डिस्टेंपर क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसका साइनम सिम्टम्स क्या हैं, इसका डायग्नोसिस, लिविंग एंड मैनेजमेंट, इसकी प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में। चले आइए स्टार्ट करते हैं। वट इज़ कैनाइन डिस्टेंपर? कैनाइन डिस्टेंपर इज हाईली कंटेजियस। कंटेजियस उसको कहते हैं जब एक डिजीज़ किसी डिजीज एनिमल से किसी हेल्दी एनिमल में ट्रांसफ़र हो, उसको हम कंटेजियस कहते हैं। हाईली फैटल डिजीज़ है, हाईली डेडली वायरल डिजीज़ है ये, और सिर्फ डॉग्स को नहीं बल्कि कुछ एनिमल्स दूसरे भी हैं लाइक फॉक्सेस, स्कॉयोट्स, रेकॉन्स वगैरह, इनको भी ये डिजीज़ होती है। जो इसमें मोर्टेलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा होता है इन केस अगर नर्वस साइन अपीयर हो जाएं। ये कैसे स्प्रेड होती है? डॉग्स एक अगर कैनाइन डिस्टेंपर से इफेक्टेड है तो एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके रिस्पायरेटरी साइंस लाइक स्नीजिंग वगैरह, कफिंग वगैरह, जो उसके म्यूकस होता है उसके ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके फीसिस से, उसकी वोमिटिंग के जो म्यूकस होता है उसके ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है, या उसके यूटेंसल्स पानी वगैरह या फूड के जितने आइटम्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी जो सफ़र कर रहा है डॉग कैनाइन डिस्टेंपर से जो इस्तेमाल कर रहा था, अगर कोई हेल्दी डॉग उसको इस्तेमाल कर ले तो उससे भी ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर साइनम सिम्टम्स की बात की जाए तो साइनम सिम्टम टू फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज रिस्पायरेटरी होता है और सेकंड फेज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्लस नर्वस सिस्टम होता है। जो अगर फर्स्ट सिस्टम जो रिस्पायरेटरी है अगर उसकी बात की जाए, फर्स्ट फेज में कफिंग, स्नीजिंग, एनिमल बिल्कुल लिथार्जिक हो जाता है और नमूनिया बहुत सीवियर केसेस के अंदर नमूनिया भी अकर हो सकता है। जो एनिमल बिल्कुल उसकी जो ब्रीदिंग है काफ़ी फास्ट होना शुरू हो जाती है। सेकंड फेज की अगर बात की जाए तो जीआईटी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है उसके अंदर सिर्फ वोमिटिंग और डायरिया होता है, लेकिन जो नर्वस साइन अगर अपीयर हो जाए सेकंड फेज के अंदर वो उसकी लास्ट स्टेज होती है। नर्वस साइन में अटैक्सिया, एनिमल अनकोऑर्डिनेट हो जाता है, उसको नहीं पता होता कि मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। अगर आप उसके हेड को पकड़ें, उसके हेड को हाथ लगाएं तो जैसे कि ट्रिमर्स वगैरह, जैसे कि हेड शेक करता है, एक बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको झटके लगते हैं, पूरी बॉडीज के कोई हिस्सा उसका पैरालाइज हो सकता है। नर्वस साइन में ये साइंस अपीयर होते हैं। अगर दूसरा साइंस की बात की जाए, एनिमल बिल्कुल लिथार्जिक हो जाता है, ऑब्वियसली जब नर्वस साइन अपीयर होंगे तो उस खाना पीना मोस्टली बंद हो जाता है, एनिमल डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा जो इसका जो टेम्परेचर है 103 टू 107 तक उसका टेम्परेचर भी जा सकता है। एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है डे बाय डे लो होता जाता है। नर्वस साइन ही मोस्टली डॉग्स के अंदर डेथ काज करते हैं इन केस अगर कैनाइन डिस्टेंपर काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए अपीयर हो जाए। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए, डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री और क्लिनिकल साइंस जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनकी बेस पे किया जाता है। इसका कैनाइन डिस्टेंपर का जो डायग्नोसिस है वो काफ़ी मुश्किल से होता है। उसकी रीज़न ये है कि शुरू के अंदर जब इसके रिस्पायरेटरी साइंस आते हैं तो नहीं पता चल रहा होता कि ये कैनाइन डिस्टेंपर की तरफ जा रहा है, और शुरू के अंदर ये जीआईटी के भी जो वोमिटिंग या डायरिया होती है उसे नहीं पता चल रहा होता। आप एंटीजन टेस्ट किट्स यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड से भी कर सकते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि एनिमल किसी वायरल डिजीज़ की तरफ जा रहा है। और साइनम सिम्टम्स हमेशा जो इसके नर्वस हैं वो काफ़ी अरसे के बाद शुरू होते हैं, एटलीस्ट 3 to 5 days या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है नर्वस साइन अपीयर होने में। उनकी बात की जाए तो ट्रीटमेंट हमेशा उसके क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे होता है। देर इज़ नो क्योर इन कैनाइन डिस्टेंपर, लेकिन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकने के लिए हमेशा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एनिमल अगर ओफिड है तो उसके लिए मल्टीविटामिंस इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्फ्यूजन थेरेपी की जाती है। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो एनिमल को हमेशा हमेशा वैक्सीनेट ही करवाएं,
किसी भी वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट, तभी आपका एनिमल सर्वाइव कर सकता है, तभी आपका एनिमल वायरल डिजीज से बच सकता है। अपने जितने भी यूटेंसिल्स हैं अपने एरिया को अच्छे तरीके से साफ करें, उसको क्लीन करें। कैनाइन डिस्टेंपर का जो वायरस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है जो आम डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो दूसरी वायरल डिजीज़ हैं लाइक डॉग्स में पार्वो वायरल इन्फेक्शन, उसका जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होता है, लेकिन कैनाइन डिस्टेंपर इससे बहुत मुख्तलिफ है। इसका अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका वायरस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। सर, आप ब्रीडिंग फीमेल्स जो हैं जो पप डिलीवर करने वाली हैं, अगर आप उसको वैक्सीनेट करवाएं तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं मदर से हमेशा पपीज़ में ट्रांसफ़र होती हैं। हमेशा वैक्सीनेशन के लिए अपने करीबी वेट से, ऑथराइज वेट से कंसल्ट करें, वही आपको बता सकते हैं कि आपके ब्रीडिंग फीमेल के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वही आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। हमेशा ऑथराइज वेट के पास जाएं वैक्सीनेशन के लिए, उनको पता होता है कि आपके पेट को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, वही आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। ख़ुद कभी भी वैक्सीनेशन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो कैनाइन डिस्टेंपर है ये इंतहाई लीथल और कंटेजियस और डेडली वायरल डिजीज़ है। अगर आप इसको वैक्सीनेट करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी मैनेजमेंट, कौन सी डिजीज़ के बारे में मालूम हासिल करनी है, किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।